तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, मैंने मैक्स प्लेयर पे अपना फ़ोटो लगाया है, अभी देख सकते हैं आप भी इस तरह का लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी मैं फाइल एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, इसके अंदर भी मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, आप भी इस तरह का फ़ोटो लगा सकते हैं, वीडियो को पूरा पूरा देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप मैक्स प्लेयर पर कैसे अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी मैक्स प्लेयर डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास अभी है या नहीं है आप मैक्स प्लेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले बता दूँ उसको आपको फ़ोटो उसमें ऐड कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाके इस एप्लीकेशन का लिंक है इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका एप्लीकेशन का नाम है डिज़ाइनर। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप YouTube में वीडियो देखें लेकिन सब में आपको फेक मतलब देखेंगे, उसके बाद मेरे वीडियो को आपने ओपन किए होंगे। तो दोस्तों यदि आप पहली बार ओपन किए तो कोई बात नहीं है कि आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, आपको कुछ बता कर ही भेजेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस मिलने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसका इस तरह बंद रहेगा, ठीक है ना, मॉकअप ओवरले, इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ दो तरह का ऑप्शन मिलता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आप किस तरह का फ़ोटो इसमें लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक फ़ोटो अपना चूज कर लेना है, जैसे कि मैंने चूज कर लिया। तो चूज करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ कैपेसिटी उसको आपको 10 मिलेगा, ठीक है ना, इस तरह 10 मिलेगा, आपको इस तरह का पूरा फुल कर देना है, जिससे कि आपका डिस्प्ले के अंदर में आपका फ़ोटो देखेगा मतलब। तो इस तरह होगा, यदि ये आपका ओपन होगा, इस तरह ओपन होगा तो आपका इस तरह का शो करेगा ये लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको मैक्स प्लेयर को ओपन करना है। मैक्स प्लेयर को आप ओपन करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैक्स प्लेयर में आपका फोटो लग चुका है। तो ये ऐसा नहीं कि मैक्स प्लेयर यहाँ पर है, आप ऐसे खोलेंगे तो ये अंदर भी मिलेगा, ऊपर में मिलेगा, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा फ्यूचर ये आ चुका है कि आप अपना फ़ोटो को चेंज भी कर सकते हैं। और आपको बात क्या करना है कि यहाँ पर आपको पुश करना है ये जो है मॉक ओवरले, आपको इसको करना है। देख सकते हैं यहाँ से फ़ोटो मेरा हट चुका है, फिर इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर फ़ोटो आ चुका है। जैसे मैक्स प्लेयर को अपन ओपन करना है किसी भी फ्रेंड के सामने, उसको दिखाना है कि मैक्स प्लेयर में देखो मैंने फ़ोटो लगाया हूँ, तो ये सिंपली से आपको यहाँ पर इस तरह कर देना है तो बंद हो जाएगा, और इसको इस तरह चालू करना है तो ये आपका आ जाएगा। और नॉर्मली आपको बाहर में चलाना रहेगा तो इधर तो आप भी चला सकते हैं। और इस एप्लीकेशन की मदद से अभी किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पर फोटो अपना सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यूट्यूब खोलता हूँ और ये यूट्यूब पे भी यहाँ पर लग जाएगा, ये देखें यूट्यूब के पीछे भी यहाँ पर लग चुका है, देख सकते हैं इस तरह से। फिर हटाना चाहेंगे आप यहाँ से क्लिक करके, एक क्लिक में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हट जाएगा। और आपको फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी आपको लगाना है तो यहाँ पर फिर एक क्लिक कीजिएगा, दोस्तों को चौंका दीजिए अपना लगा के, देखो भाई मैंने यहाँ पर फेसबुक पर बैकग्राउंड में फ़ोटो कैसे मैंने ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप पे भी मतलब कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में, मोबाइल के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। इस तरह आप दिखाएंगे अपने फ्रेंड्स को तो चौंक ही जाएगा फ्रेंड्स, काफ़ी ख़तरनाक है। तो इस तरह से आप भी अपना मोबाइल पे इस एप्लीकेशन की मदद से आप लगा सकते हैं कहीं पर भी फ़ोटो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको वीडियो को कैसा लगा ये कमेंट करके छोटा सा जरूर बताना फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर।